नमस्कार दोस्तों, ये है राइजिंग इंडिया और आप देखने जा रहे हैं लूना 25 की क्रैश लैंडिंग से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें हमें समझने की कोशिश करेंगे कि चांद पर उतरने में रूस की नाकामी का भारत के मून मिशन के लिए क्या मायने है, और ये भी कि कभी स्पेस सुपर पावर रहे सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद क्या रूस अंतरिक्ष के मोर्चे पर चीन से भी पिछड़ गया है, और रूस की नाकामी के बाद अगर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो जाता है तो इससे स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत की हैसियत में क्या इजाफा होगा। ये सब विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राइजिंग इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो उभरते भारत की पॉजिटिव खबरों के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, करीब 50 साल बाद चांद की धरती पर लौटने का रूस का सपना बिखर चुका है। 11 अगस्त को सोयूज रॉकेट के साथ उड़ा रूस का लूना 25 लैंडर चांद की धरती पर उतरने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया, और इसी के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में भारत के चंद्रयान 3 के साथ लगी रशियन रेस भी खत्म हो गई। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब लूना 25 लैंडर को प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लाने के लिए डीबूस्ट किया जा रहा था। इसी दौरान लैंडर के साथ कमांड सेंटर का संपर्क टूट गया। आखिरकार रोसमोस्कोस ने ऐलान किया कि उसका मून मिशन फेल हो गया है और लैंडर लूना 25 चांद की सतह पर क्रैश हो गया है। इस बीच चंद्रयान 3 ने डी बूस्टिंग के दूसरे और फाइनल फेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। डी बूस्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके तहत लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार कम करते हुए उसे चांद की सबसे करीबी कक्षा में लाया जाता है। इस कक्षा में घूमते हुए लैंडर उस स्पॉट की पहचान करता है जहां उसे उतरना है, और फिर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस हिसाब से देखें तो चंद्रयान 3 लूना के मुकाबले एक माइलस्टोन आगे पहुंच चुका है। इस वक्त चंद्रयान 3 चांद के चारों तरफ 25 किलोमीटर बाई 135 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगाते हुए लैंडिंग साइट पर सूरज के निकलने का इंतजार कर रहा है। 23 अगस्त को जब चांद के साउथ पोल पर सूर्योदय होगा, चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग शुरू हो जाएगी। रूस का मून मिशन जिस मुकाम पर आकर फेल हुआ, भारत ने चंद्रमा पर उतरने की पहली कोशिश में ही उस मुकाम को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन भी अपने आखिरी चरण में फेल हुआ था जब वो चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस का मिशन चंद्रमा के प्री लैंडिंग ऑर्बिट में पहुंचने से पहले नाकाम हो गया। रूस की इस नाकामी को अब जरा उस दौर के साथ जोड़कर देखिए जब सोवियत यूनियन चांद पर उतरने की बात तो छोड़िए, चंद्रमा की सतह से सैंपल तक उठाकर लाया था, वो भी आज से 47 साल पहले। सोवियत यूनियन का लूना 24 मिशन 1976 में सफलतापूर्वक पूरा हुआ था, लेकिन लूना 25 की नाकामी ने साबित कर दिया है कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक स्पेस पावर के रूप में रूस बस उसकी कमजोर परछाई भर रह गया है। अंतरिक्ष में सबसे पहले सैटेलाइट भेजने से लेकर अंतरिक्ष में सबसे पहले इंसान को भेजने तक का एक लंबा सिलसिला है जिसमें सोवियत यूनियन ने खुद को अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया था, लेकिन उसके विघटन के बाद रूस लगातार पिछड़ता जा रहा है। मंगल के चंद्रमा के लिए मिशन भेजने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहने के बाद रूस ने मून के साउथ पोल को टारगेट किया था। कोशिश ये थी कि चंद्रयान 3 से पहले साउथ पोल पर पहुंचकर अंतरिक्ष शक्ति के रूप में वो अपनी साख को किसी हद तक बचा लेगा, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही। अब चंद्रयान 3 अगर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है तो इसरो की साख के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। भारत वो कर दिखाएगा जो कभी अंतरिक्ष की महाशक्ति रहा रूस भी नहीं कर पाया है। सच तो ये है कि पिछले कुछ दशकों में चांद पर उतरने की ज्यादातर कोशिशें नाकाम रही है। 1976 के बाद सिर्फ चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारने में कामयाब हो पाया है। उसका चेंग 3 और चेंग 4 दोनों ही मिशन कामयाब रहे, जबकि पिछले 10 सालों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर इजराइल, जापान, इंडिया और रूस के सारे मिशन नाकाम रहे हैं। ऐसे में अगर चंद्रमा 3 कामयाबी की दास्तान लिखता है तो भारत ऐसा कर दिखाने वाला दुनिया का मात्र चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन के अंतरिक्षयान ही चांद पर कदम रखने में कामयाब हो पाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और भारत की कामयाबी की रोचक खबरों के लिए देखते रहिए राइजिंग इंडिया रिपोर्ट। धन्यवाद।